गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर्विस किचन एंड ब्लॉग। आज मैं सुबह से आ गई हूँ अपने ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज मेरे ब्लॉग में। मैं सुबह से आ गई, तो मैं सुबह चाय ब्लैक टी पी ली हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी कर रही हूँ, तो वह मैं सब काट के रेडी करके रखी हूँ। मैं करूँगी सैंडविच, तो ये ले ली हूँ ब्रेड, ब्रेड में बटर लगा ली हूँ। ये खीरा टमाटर से बनाऊँगी, थोड़ा सा फल काट ली हूँ, और उसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं दूंगी, ब्लैक पेपर और चाट मसाला दूंगी। सेकेंड टाइम चाय हो गया, तो मैं चाय ले ले रही हूँ। सेकेंड टाइम चाय ले रही हूँ, और मैं दोपहर में क्या क्या पकाऊँगी, इसमें मैं तूर दाल और चना दाल, आधा कप तूर दाल आधा कप चना दाल मैं मिक्स करके भिगो के रखी थी, ये धो के रेडी कर ली हूँ। चना दाल और तूर दाल मिला के, गाजर मिला के मैं दाल बनाऊँगी। ये भिंडी मसाला बनाऊँगी, भिंडी के लिए आलू और भिंडी काट ली हूँ। करेला बॉयल करूँगी, और चावल भी भिगो दी हुई, देखिए आज मेरे सब रेडी है। फटाफट गैस ऑन करूँगी और पकाना स्टार्ट कर दूँगी। मेरा कुकर भी बैठ गया, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर का रसोई स्टार्ट करती हूँ। एक बार में इसमें दूँगी जीरा, तेज़पत्ता, सूखी मिर्च, पका दे दी हूँ। हम इसमें टमाटर दे दूँगी, दे दूँगी दाल, नमक और टमाटर भी दे दी हूँ। नमक टमाटर में ही नमक और हल्दी लगा मैं चम्मच ले ली थी। मैं ये दे दूँगी गाजर, दे दूँगी पानी, अच्छी तरह मिक्स करके सीटी लगा लूँगी मीडियम फ्लेम में। इसको दो तीन सीटी आने दूँगी। करेला सबको रेडी रख लूँ, दाल होने के बाद में ये करेला स्टीम में बैठा दूँगी। ये करेला भी रेडी कर दी, दाल होने के बाद में इसको बैठा दूँगी। मैं यहाँ आलू बॉईल कर ले रही हूँ, बॉईल मैंने इसका स्टार्च निकाल दूँगी, तब तक ये बॉईल भी हो जाएगा, स्टार्च भी निकल जाएगा, तो मेरा सब्ज़ी जल्दी बन भी जाएगा। मैं भिंडी बैठाऊँगी, तो भिंडी के लिए मैं तेल ले ली हूँ, सरसों तेल। अब इसमें मैं जीरा छौंका दे दे रही हूँ, जीरा चटक गया, आलू सबसे पहले छोड़ दे रही हूँ। दाल बना ली हूँ, ये देखिए दाल, और इसमें मैं करेला भी बॉईल कर ली, इसमें प्रेशर में करेला है, इसको रखी हूँ तब तक जब तक सब्ज़ी ना हो जाता, ये करे इसी में स्टीम में रहने दूँगी। और ये आलू फ्राई हो रहा है, आलू हल्का लाल में फ्राई कर ली। अब ये भिंडी सब छोड़ दें, तो फ्राई कर ले रही हूँ भिंडी को, थोड़ा सा ढक के हल्का नरम कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का नरम कर ले रही हूँ भिंडी को, हल्का नरम कर ली। मैं इसमें दे दूँगी टमाटर प्यूरी की थी, टमाटर प्यूरी दे दूँगी, फिर उसको मिला देगी। इसमें दूँगी मैं हल्दी, और दो चम्मच ये छोटा चम्मच के अंदाज से मैं दो चम्मच जीरा धनिया पाउडर दे रही हूँ। बस आप इसमें कर लूँगी वाटे करूँगी, दूँगी दो चार दाना चीनी, दो चार दाना में चीनी भी ज़्यादा नहीं मिली, अंदाज के हिसाब से नमक दे रही हूँ। अच्छी तरह पका लूँगी मसाला को, ढक के पका लूँगी मसाला। अभी बॉयल हो गया, ये मैं निकाल ली हूँ, अब इसको मैं ठंडा होने से इसको अच्छी तरह मैश करके चावल के साथ में ले लेंगे। पाँच मिनट पका ली हूँ, ये देखिए भिंडी भी तैयार है। अभी तो ऐसे ही मैं स्टार्च निकाल ली थी, तो सॉफ्ट हो ही गया था, आलू भी पक गया, भिंडी भी, मसाला का तेल भी निकल आ गया, अच्छी तरह ही मसाला रेडी। ये मैं यहाँ पे मिलता है, पता नहीं वहाँ हर जगह ही मिलता होगा, ये लहसुन और सूखी मिर्च की पाउडर है, ये वन एक टाइप का चटनी यहाँ मिलता है, ये आप रोटी के साथ में भी सूखा खा सकते हैं। तो ये मैं एक चम्मच दे दूँगी, तो इससे थोड़ा दुगना टेस्ट आ जाएगा लहसुन और सूखी मिर्च का। तो मैं ये देख के इसको अच्छी तरह मिला ले रही हूँ, ये देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन की चटनी यहाँ मिलता है शॉप में, ये लोकल है,
तो ये मैं इसमें दे दी हूँ, देखिए अच्छी तरह मिला लूँगी। फिर से इसको ढक के एक मिनट के लिए पका लूँगी। ये मेरा भिंडी रेडी है, मैं गैस ऑफ कर दे दूँगी और उसी में छोड़ दूँगी। मेरे पास अभी धनिया पत्ता नहीं है, अगर आपके पास में अगर धनिया पत्ता रहता है इससे ये गार्निश कर देने से ये और दुगना टेस्ट हो जाएगा। और तो बस अब इतना ही, मैं इसको ऑफ कर दे रही हूँ, स्टैंडिंग में रख दे रही हूँ। मेरा करेला भी रेडी है और सब्जी भी रेडी है, चावल का माड़ मैं निकाल लेती हूँ लंच करके, फिर आपसे शाम को मिलती हूँ। फिर थोड़ी देरी में मिलती हूँ, शाम को क्यों थोड़ी देर में, एक्चुअली दोपहर में मेरा कुछ रहता नहीं दिखाने का, तो मैं क्या दिखाऊंगी। मैं कबोर्ड मेरा पूरा सजा हुआ है, तो मैं कैसे क्या रखती मैं कभी शेयर करूंगी, तो इसीलिए मैं दोपहर में और कुछ मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए, ये लंच और डिनर, यही लंच और रहता भी क्या है बोली हमारे लिए, हम जैसे महिलाओं के लिए क्या रहता है, किचन ही बहुत बड़ा मैटर रहता है। किचन में ही हम लोग का इतना टाइम निकल जाता है कि अदर्स काम करने के लिए हम लोग को समय निकालना पड़ता है। अगर मैं कभी समय निकाल पाई, कबोर्ड कैसे मैं सजाती हूँ, कबोर्ड में मैं कपड़ा कैसे रखती हूँ, तो मैं ये सब आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तभी तो फ़िलहाल इतना ही, तो लंच करने बैठ जा रही हूँ, फिर शाम को मिल रही हूँ। शाम को आ गई हूँ मैं फिर से अपने रूटीन में, तो हमारा चाय पीना हो गया है शाम का, तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर, पालक पनीर और गोभी फ्राई कर दूँगी हस्बैंड के लिए। वहाँ पे इंडक्शन में दूध गर्म हो रहा है और ये गर्म पानी में मैं गोभी भिंगो के रख दी हूँ, और ये गर्म पानी में पनीर को भिंगो के रखी हूँ थोड़ा सा नमक दे के, ताकि ये सॉफ्ट रहे, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। इसको मैं गर्म पानी में नमक दे के इसको हाफ एन आवर के लिए भिगा दिया, और ये प्री मिक्स के लिए एक कप मैं दूध ली हूँ, इसमें ये मिक्स इसमें दे दूँगी। इसको करीब 15 मिनट भिगो के रखना पड़ेगा, इसको 15 मिनट्स भिगो के रखना है। तो ये दूध में दे के मैं मिला ले रही हूँ और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। लिक्विड वॉर्म में दूध में देना है, अगर दूध नहीं मिलता है तो आप वाटर में भी दे सकते हैं, इसमें दोनों ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो मैं दूध में ही दे रही हूँ। दूध में देने से इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, तो मैं दूध में इसको मिक्स करके अभी 15 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ, रेस्ट दे रही हूँ, और तब तक मैं गोभी फ्राई कर ले रही हूँ। नमक दे दे रही हूँ, खाली नमक और हल्दी से फ्राई करूँगी। और ये प्री मिक्स जो मैं भिगो के रखी थी इसमें मैं दे दूँगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हाफ चम्मच दे दूँगी हल्दी, ये जो प्री मिक्स में इसमें मैं दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, इसको भी मिक्स करके रख दे रही हूँ। पालक मैं ला के बाज़ार से अच्छी तरह धो ली थी, 500 ग्राम पालक था और 2 टमाटर, इसको मैं पहले धो के अच्छी तरह कुकर में 2 सीटी लगा ली थी। लगाने के बाद में ठंडा करने के बाद में अच्छी तरह ठंडा करने के बाद में मैं फ़ाइन पेस्ट बना ली हूँ, तो ये पेस्ट भी मेरा रेडी है। दे रही हूँ थोड़ा सा गुड़की पाउडर, उसका टेस्ट हो जाएगा, जैसे ये हो भी गया तो वो भी अच्छी तरह नरम हो गया, तो मैं उतार ले रही हूँ। फिर से मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ साफ करके, इसमें तेल दे दे रही हूँ, 2 चम्मच तेल भी हो गया। मैं छौंका में जीरा दूँगी। मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मोबाइल का बैटरी लो हो गया था, तो उसके बाद मैं चार्ज होने के बाद मैं फिर से मैं सूट कर रही हूँ। तो इसमें मैं पहले तेल देने, वाइट तेल से मैं बना रही हूँ, वाइट तेल दे के जीरा दे दी थी, जीरा चटकने के बाद में वो प्रीमिक्स जो देखे थे वो मैं दे दी थी, दे के उसको अच्छी तरह मैं 5 मिनट पका ली जब तक तेल नहीं छोड़ दिया। तेल छोड़ने के बाद में मैं ये पेस्ट जो साग और टमाटर का की थी ये देने के बाद में इसको करीब मैं 5 मिनट पका ली हूँ, ये मेरा 5 मिनट पूरा पक गया है। स्वाद अनुसार नमक और चीनी 1/2 चम्मच मैं दे दी थी। तो इस समय ये क्यूब फिरा हुआ पनीर मैं दे दूंगी इसमें, कुछ ग्रेट करके दे दूंगी, देख अच्छी तरह मिक्स कर दे रही हूँ पनीर। देखिए ज़्यादा देरी नहीं पकाऊंगी इसको, सिर्फ 1 मिनट ढक के पका लूँगी, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। ये ख़रीदा हुआ पनीर है, मैं रेडीमेड पनीर यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगी, बस 1 मिनट ढक के पका लूँगी, उसके बाद ऑफ कर दूँगी। मैं 1 मिनट पका ली हूँ, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच बटर दे दूँगी, रख के रखूँगी, खाने के टाइम में खोलूँगी तो बटर का टेस्ट इसमें आ जाएगा।
कढ़ाई में सूप को भी रेडी कर ले रही हूँ। पहले ठंडा पानी में इसको घोल ले रही ताकि लम्स ना रहे अच्छी तरह। पानी की थी इसको दे देंगे गर्म पानी को। ये चार कप पानी है, हमें अच्छी तरह उबाल लूँगी। इसको दो तीन मिनट पकाना है तो मैं दो तीन मिनट इसको पका लूँगी तो मेरा सूप भी रेडी हो जाएगा। तब तक यहाँ मैं रोटी भी पका ले रही हूँ। खाने के बाद में हम लोग डिनर कर लिए थे। करने के बाद में मैं सूट नहीं की, डिनर रहा, देरी हो गया था, बच्चे भी जल्दी जल्दी मांग रहे थे तो हम खाना वाना खा लिए। अभी मैं ये किचन साफ़ सफाई कर रही हूँ। बस अब साफ़ सफाई करने के बाद मैं मिलती हूँ। सोने का तैयारी भी, बच्चे लोग गए हैं घर पे बिछाने तो आ गई हूँ घर पे। ये रूम में आ गई हूँ, सोने की तैयारी कर रही हूँ। रूम में आ गई हूँ, सोने की तैयारी कर रही हूँ। ये बिस्तर लग गया है और मैं सोने जा रही हूँ। डिशवाशर बंद करके मैं अभी आई हूँ और अभी सोने जा रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय, टेक केयर। जो मेरे चैनल में नए हैं मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं। गुड नाइट, बाय।